हे नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड शेयर के बारे में। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे इसकी न्यू अपडेट के बारे में, क्या हमें इन द अपकमिंग टाइम इस स्टॉक में मोमेंटम किस प्रकार का देखने को मिलता है, क्या इसके न्यू प्राइस चार्ट पे हमें वॉल्यूमेट्रिक और बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ अगर हम बात करें कि स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, उस वजह से अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाउ अगर बात करें स्टॉक के पोटेंशियल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 5 गुना ये हमको देने का पोटेंशियल लगता है, बिकॉज स्टॉक का 52 वीक जो हाई है वो 0.81 रुपीज़ है। नाउ चलते हैं इसके एसेंशियल पे। मार्केट कैप आप देखेंगे 559.894 करोड़ का है, और वहीं अगर आप इसका बाकी चीज़ देख सकते हैं, पी रेशियो काफ़ी अच्छा है स्टॉक के अंदर। नाउ अगर आप प्रमोटर लेंगे काफ़ी कम है, बट अगर हम देखें इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो वो भी इतना ज़्यादा खास नहीं है इसका सेल्स ग्रोथ, एंड कहीं इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। यह था ईयरली बेस पर इसका डेटा। नाउ चलते हैं इसके रिसेंट के क्वार्टर के रिजल्ट पे। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा पब्लिक होल्डिंग 98.48% है, जो कि इसमें बताता है कि पूरा ऑपरेटर्स एंट्री का गेम रहता है, पूरा ऑपरेटर डिपेंडेंट स्टॉक है। सो वो भी हम आगे चल के समझेंगे। नौ अगर हम बात करें स्टॉक के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें इस बार का देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इस बार का जो हमें नेट प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिला, 0.77 करोड़ की हमें गिरावट देखने को मिली। सो कहीं ना कहीं इस वाले क्वार्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है, सो ये भी हमें कंसिडर करना होगा पॉइंट। एंड अंदर अगर बात करें हम इस स्टॉक का जो हमें एसेट्स देखने को मिले हैं इस बार के, वो आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे इस साल के अंदर अंदर। पिछले साल से भी अगर हम बात करें, यहाँ तक इसमें डिक्रीमेंट था और इसके बाद से इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है और एक पॉजिटिव बात है। बट अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस चार्ट की, बात बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्या हमें यहाँ से ही वो मूवमेंट देखने को मिल जाएगा या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे आप देखिए 0.6 रुपीज़ का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उसको इसने ब्रेक किया है। राइट नाउ इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इसका 0.24 रुपीज़ का, अगर इसको या फिर 0.43 रुपीज़ पे राइट नाउ अगर आप देखें एग्जैक्टली में 0.40 के आसपास ही ट्रेडिंग प्राइस देखने को मिल रहा है। 0.43 इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर हमारा ड्रॉ होता है, पहले ही रेजिस्टेंस था, यहीं से हमें ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला था। सो 0.43 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये 0.43 के ऊपर है हम इसमें बुलिश मोमेंटम की उम्मीद रखेंगे। और राइट नाउ अगर आप देखेंगे 0.48 से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को भी मिला है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक में आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए एक मौका और रहेगा। अगर ये स्टॉक के अंदर अपकमिंग टाइम 0.6 रुपीज़ को 0.60 को अगर ब्रेक करता है या फिर 0.65 तक भी जाता है, तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं, बिकॉज तब आप अगर इसको बाय करेंगे और डायरेक्ट स्लोप अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जिसमें आपको रिस्क बहुत कम रहेगा और ओनली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट अगर आप अभी बाय करते हैं इसको तो हो सकता है कि यहाँ से ही हमें गिरावट देखने को मिल जाए स्टॉक के अंदर। सो थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि 0.51 पे अगर आप बाय करेंगे या जिस प्राइस पॉइंट पर ये चल रहा है हमें देखने को मिल रहा है 0.57 पे, ये भी अच्छा खासा प्राइस पॉइंट है, बिकॉज यहाँ से हमें एक अप मूवमेंट देखने को ऑलरेडी मिल गया। सो अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाने की सोचें तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, बट आपको इसमें ध्यान रखना है 0.49 रुपीज़ का एक बहुत ही 0.43 रुपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपका SL जो रहेगा वो रहेगा 0.49 रुपीज़ पे। देखिए जो मुझे रीसेंट टाइम से दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे हमें पॉजिटिव बनानी। बाकी अगर जो अपडेट आती है न्यू तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और आप इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज अगर आपको पसंद आई है तो। सो ये अपॉर्चुनिटी आप यहाँ बना सकते हैं 0.57 रुपीज़ के आसपास करें बाइंग, 55-54 तक भी जाता है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। 0.43 का रखें स्टॉप लॉस, और जो टारगेट आप करेंगे इन द अपकमिंग टाइम 2 से 3 गुना 3 से 4 गुना भी होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सो ये रहती है हमारी एंट्री, बिकॉज पूरा ऑपरेटर डिपेंडेंट स्टॉक है, और ऑपरेटर्स की एंट्री अगर ये स्टॉक 0.65 तक जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी और एक अच्छी खासी एंट्री के साथ हम स्टॉक में बने रह सकते हैं।